हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ सूजी की पीठा की रेसिपी। सूजी का पीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नारियल लिया है। नारियल का जो पीछे का हिस्सा, काला वाला हिस्सा को छील देना है। छील के छोटे छोटे पीस करके इसे मिक्सी जार में पाउडर हमें कर लेना है। जब ये पाउडर हो जाएगा तो इसका माप आधा कप है। इस तरह से हमें पाउडर कर लेना है नारियल को। अब एक पैन ले लेंगे या कढ़ाई ले ले, उसमें नारियल को डाल दे और उसे मीडियम फ्लेम पर इसे पहले भुनना है। 2 से 3 मिनट तक भुनना है। इसके बाद आधा कप ही चीनी डाल देंगे। जितना नारियल रहेगा बराबर मात्रा में चीनी डाल देंगे, लेकिन कम मीठा पसंद करते हो तो थोड़ा कम कर सकते हैं। आप स्वाद अनुसार चीनी ले ले और इसे फिर से मिलाना है। चीनी डालने के बाद इसे फिर से हमें मिक्स करना है चीनी गलने तक। जब चीनी अच्छी तरह गल जाएगा तब तक हमें चलाते रहना है बीच बीच में। इस तरह से अब इसमें खुशबू के लिए इलायची का पाउडर डालेंगे, छोटी चम्मच से आधा चम्मच। यहाँ पर थोड़ी सी इलायची डाल दें और इसे फिर से मिक्स कर लेना है। अब ये हो गया है। अब ये हो गया है तो इसे अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमें आधा कप सूजी लेना है और इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार करना है। जब पानी डाले तो 10 मिनट के बाद मिक्सी जार चलाएं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाएगा तो उसका पेस्ट अच्छा से बनेगा। पेस्ट को किसी बर्तन में निकाल लेंगे और पतला घोल तैयार करेंगे। मिक्सी जार का भी लगा हुआ निकल जाएगा। इस तरह का बेटर होना चाहिए। अब इसमें स्वाद अनुसार 1/4 हिस्सा नमक डालेंगे चम्मच का और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 15-20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अगर बेटर गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा पानी मिक्स करना है, लेकिन बेटर यहाँ पर गाढ़ा नहीं है तो ये अब तैयार है। अब ये कढ़ाई या पैन ले ले, उसमें 1 चम्मच तेल डाल के ब्रश से चारों तरफ कर ले। अब इसमें करछी से 1 करछी बेटर को डालें और इस तरह से चारों तरफ से हिला दें। जब ये ऊपर का पूरी तरह से सूख जाएगा तब इसमें हमें नारियल का मिक्सचर देना है, जो हमने चीनी नारियल का बनाया है फिलिंग। अब वो इसमें डालेंगे। इस तरह से लंबे करके डाल देना है और इस तरह से पीठा को फोल्ड करना है। अब ये बनके तैयार है। अब इसे हमें निकाल लेना है। मैं और बना के दिखा रही हूँ। एक पीठा के बाद फिर से थोड़ी सी तेल डाल देनी है और इसे ब्रश से लगा लेनी है चारों तरफ से। अब हमें फिर से 1 करछी इसमें बेटर डालना है। जब ये सूख जाए तभी हमें नारियल का मिक्सचर इसमें डालना है। ये अभी पूरी तरह से सूख गया है। इसे जब भी पकाए मीडियम फ्लेम पर पकाए। अब इसे नारियल डाल के फिर से इसे फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हमें और भी पीठा बना लेना है। अगर आपको आज की पीठा की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से सभी को बना लेना है। पीठा बनके तैयार है।